दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों साइट्स पर सेल स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको सीधा बताऊंगा यहाँ से मुझे कौन सी डील्स बेस्ट लगी हैं। मैं आज उन फोन्स की बात ही करूँगा जो आपको बाय नहीं करने हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्लिपकार्ट पे सेल है इलेक्ट्रॉनिक डेज के नाम से और अमेजोन पे स्मार्टफोन अपग्रेड डेज। तो टॉप 15 फोन्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमारा पहला फोन है मोटोरोला की तरफ से। ये फोन है मोटो G31। ये फोन आपको मिल रहा है 9899 में और मैं कह सकता हूँ इस रेंज का ये बेस्ट फोन बन चुका है, बिकॉज ये फोन आता है अपनी कुछ USPs के साथ। एक तो इस फोन में है सुपर क्लीन इंटरफेस, कोई एड्स प्रोटेक्टर का पंगा यहाँ पर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा थिंग शील्ड सिक्योरिटी इस फोन में अवेलेबल है। बहुत ही कम स्मार्टफोन हैं जो हमें देते हैं हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी, बट यहाँ पर सिक्योरिटी मिल रही है, इंटरफेस क्लीन है, साथ में एमोलेड पैनल है। 10,000 से कम की रेंज में एमोलेड पैनल आपको दिया जा रहा है मोटो G31 में। और जो मेन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रहते हैं वो सारे आपको इसके इंटरफेस में मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, आपको मिलता है फुल HD+ डिस्प्ले। अगर मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सबसे मेन रहती है अगर हम कोई बजट का फ़ोन ले रहे हैं, तो इस फ़ोन में है मिरेटेक किलियो G85। तो परफॉर्मेंस को लेकर कोई आपको शिकायत नहीं होने वाली है, चाहे आप गेमिंग करो या आपका नॉर्मल यूज है। प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाई कैमरा भी इसका ठीक है, अगर मैं बजट को देखता हूँ तो यहाँ पर है रियलमी प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और फ़ोन की इनर फील भी अच्छी है। उतना बल्कि ये फ़ोन नहीं है, हाथ में अगर आपको ये अच्छा फील होगा तो मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ। 9899 में एक अच्छा पैकेज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, जो कि है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F22। ये बन चुका है सैमसंग का बेस्ट फ़ोन अपने प्राइस सेगमेंट का। आपको ये फ़ोन मिल जाएगा 9899 की रेंज में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एमोलेड डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, नोक सिक्योरिटी जो कि इस फ़ोन की शान है। साथ ही आप जानते हैं 1 UI आपको मिलता है इस फ़ोन में, और 1 UI जो बाकी कस्टम UI हैं उनकी कंपेरिजन में काफ़ी आगे निकल के जाते हैं। अगर हम इसको रियलमी UI या MIUI से कंपेयर करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों के इंटरफेस में। यहाँ पर HD+ डिस्प्ले है और आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी। रियर में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर है मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर। यहाँ भी आपको गेमिंग या नॉर्मल यूज में दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली काम करता है। और कैमरा फोन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं ये बोल सकता हूँ अंडर 10,000 ये बेस्ट कैमरा फोन भी बन सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको दो फोन बताए और दोनों आते हैं अंडर 10,000 की रेंज में, आप बताओ मुझे कमेंट्स में अगर आपको इन दोनों में से एक फोन बाय करना हो तो आप कौन सा बाय करेंगे, सैमसंग F22 या फिर मोटो G31। मुझे दोनों फोन काफी अच्छे लगे हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताना मुझे कमेंट्स में, मैं आपको जो भी फोन बता रहा हूँ इनमें से आप किस फोन में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और इस चैनल पे कुछ न्यू गिवअवे भी स्टार्ट हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और मैं आपको जो भी फोन बता रहा हूँ, जो भी ऑफर पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप फोन को आसानी से बाय कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा नेक्स्ट फोन फिर से है मोटोरोला की तरफ से। इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 480+। ये फोन है मोटोरोला G51। इस फोन का प्राइस है 11699 जो कुछ टाइम पहले हमें मिल रहा था 15,000 के आसपास की रेंज में। इसकी भी USP वही है सुपर क्लीन यूजर इंटरफेस, और यहाँ पर आपको मिलता है IPS पैनल जिसमें आपको दे रखा है 120Hz का रिफ्रेश रेट। इससे पहले मैंने आपको जो फोन बताया था ना मोटो G31, वहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिल रहा वो, लेकिन वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पर एमोलेड आपको नहीं दे रखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्लस माइनस हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स में। यहाँ पर भी रियलमी प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, कैमरा भी ठीक है इसका प्राइस के हिसाब से, और थिंग शील्ड सिक्योरिटी इस फोन में भी अवेलेबल है। सैमसंग दे रहा है हमें नोक सिक्योरिटी और मोटोरोला दे रहा है थिंग शील्ड सिक्योरिटी। अभी तक बजट में या हाई रेंज में भी आप देखेंगे यही दोनों फोन है जो हमें एंड्रॉयड में सिक्योरिटी हार्डवेयर लेवल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, मोटोरोला और सैमसंग। तो 11,700 में आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दो फोन बताऊंगा जिनमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो है Redmi Note 10S, दूसरा है Poco M4 Pro 4G। दोनों में है मीडिया किलो G95, दोनों में है एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन फर्क है वहाँ पर आपको Redmi Note 10S में हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा। Poco M4 Pro आता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 90 रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा, लेकिन इस फोन में स्टीरियो स्पीकर आपको नहीं दे रखे जो कि आपको मिल रहे हैं Redmi Note 10S में। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स का। बट प्राइसिंग अगर हम देखते हैं तो दोनों की प्राइसिंग में लगभग 1,000 के आसपास का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 10S आपको मिल रहा है 11,500 की आसपास की रेंज में, और जो Poco M4 Pro है ये आपको मिल रहा है
10,800 की रेंज में है। पोको का नाम थोड़ा खराब भी हो चुका है, पीछे क्या हुआ था, अपडेट आया था फोन में और फोन डेड हो गया था। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या आप अभी भी पोको पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कई फ़ोन पोको के, मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, सही चल रहे हैं। हाँ, बग्स में देखने को मिल जाते हैं कुछ टाइम बाद, फिर चाहे वो MIUI हो या फिर पोको, दोनों में ये चीज़ देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म यूज़ में दिक्कत आ ही जाती है। अब इस चीज़ को ये दोनों ब्रांड कैसे इंप्रूव करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। हमारा नेक्स्ट फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M33। अगर आपको सैमसंग का बजट में फ़ोन चाहिए अंडर 15,000 की रेंज में, तब ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस फ़ोन में Exynos 1280 प्रोसेसर, डिस्प्ले भी फ़ोन का टॉप क्लास का, हालांकि आपको लिखा हुआ दिखेगा TFT पैनल, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और फ़ोन से जो कि आते हैं IPS पैनल के साथ, तो ये आपको कहीं से भी कम नहीं लगने वाला। मैंने इसको कंपेयर भी किया था कुछ फ़ोन के साथ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और कैमरा भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, नो सिक्योरिटी फोन में आपको मिल जाती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको दे रखा है और बैटरी है 5000mAh की। ये फोन भी आप देख सकते हैं। अब एक फोन और आपको बता रहा हूँ मैं अंडर 15,000 की रेंज का, फिर हम बात करेंगे इससे ऊपर की रेंज के स्मार्टफोन के बारे में। ये फोन है Redmi Note 10 Pro। मैं जानता हूँ ये फोन अब काफ़ी पुराना हो चुका है, पर अभी फोन आपको मिल रहा है 14,500 की रेंज में। इस रेंज में आज की डेट में भी ये है ऑलराउंडर स्मार्टफोन, एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट 120Hz का, रियर में प्राइमरी कैमरा 64MP का, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर, सब कुछ इस फोन में टॉप क्लास का है। मैं कह सकता हूँ ये एक ऑलराउंडर पैकेज आपको मिल रहा है अंडर 15,000 में। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 732G, जो कि अच्छा प्रोसेसर है, आपको डे टू डे यूज़ में या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको एक बैलेंस मिल रही है, साथ में डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर और कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, तभी मैं बोल रहा हूँ इसको ऑलराउंडर पैकेज। बल्कि जो Redmi Note 11 Pro आया ना, इस बार Pro Plus आया है, उनके कंपेरिजन भी मुझे लगता है जो Redmi Note 10 Pro या Pro Max थे वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन थे अपने टाइम पे, तभी इतने पुराने होने के बाद भी ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट फ़ोन है Xiaomi की तरफ से, ये है Xiaomi 11i, जो आपको मिल जाएगा अंडर 20,000 की रेंज में। उस रेंज में ये सुपर प्रीमियम स्मार्टफोन है, ऑफर्स में ये फ़ोन आप ले सकते हैं 19499 में। इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, इन एंड फील बहुत ही बढ़िया है, मैंने रिव्यू किया था इसका, वो भी आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। साथ में आपको मिलता है यहाँ पर Dimensity 920 प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको देगा इस फोन में, एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बस मुझे कैमरा फोन का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा प्राइस के हिसाब से, उसके अलावा यहाँ पर कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। स्टीरियो स्पीकर्स भी इस फोन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप फोन सैमसंग की तरफ से आइए है सैमसंग गैलेक्सी M53, आपको ये फोन ऑफर में मिल रहा है 24,000 में। 24,000 में यहाँ पर आपको मिल रहा है Dimensity 900 प्रोसेसर, नोक सिक्योरिटी और साथ में एक स्लिम डिज़ाइन, बिल्कुल फ़ोन हैवी फील नहीं होता, बहुत ही स्लिम ये फ़ोन है, मज़ा आता है इसको यूज़ करके। साथ में हाई रिफ्रेश है 120Hz का और एमोलेड पैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रियर में प्राइमरी कैमरा 108MP का, साथ में 5000mAh की बैटरी इस फ़ोन में आपको दे रखी है, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी आप देख लेना कि वह भी चल रहा है उस वीडियो में इस फ़ोन का। मुझे ये अच्छा पैकेज लगा सैमसंग का, अंदर 25,000 मैं ये फ़ोन आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो। बाकी यहाँ पर जैसे स्टीरियो स्पीकर आपको नहीं मिलते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको इस फ़ोन में करना पड़ेगा। साथ में इसमें आपको OIS नहीं मिलता बैक कैमरा में, जो आपको मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी A33 में, उसका भी प्राइस अब कम हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। आपको ये फ़ोन मिल जाएगा 24,000 में, मतलब इसका प्राइस भी सेम है M53 की तरह। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है Exynos 1280, नोक सिक्योरिटी यहाँ पर भी है और ये A सीरीज का फ़ोन है, ऑफलाइन में ये आपको फ़ोन आराम से मिल जाता है ऑफर्स में। ऑफर्स क्या, वहाँ तो प्राइस कम पे मिल जाता है, वैसे इसका प्राइस है 25,500। अब ऑनलाइन बैंक ऑफर चल रहा है तो आपको ये मिल रहा है 24 में, अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे बिना बैंक ऑफर के भी आपको ये फ़ोन कम प्राइस में मिल जाएगा, हो सकता है 24 से भी कम में मिल जाए। इस फ़ोन की खास बात है एक तो स्टीरियो स्पीकर है इस फ़ोन में, हाई रिफ्रेश रेट है 190Hz का और आपको OIS भी मिल रहा है इसके कैमरा में। कैमरा इस फ़ोन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कलर, डायनेमिक रेंज, डिटेल कहीं पर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। हालांकि दिखने में है 48MP का सेंसर, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। IP67 सर्टिफिकेशन भी इस फोन में है, अगर आपको फ़ोन पानी में डूब जाता है तो दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन आपका सर्वाइव कर जाएगा और आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी। इसके बाद मोटोरोला का फ़ोन है Moto S20, इसका भी प्राइस अब कम हो चुका है, आपको ये फ़ोन 23,500 की रेंज में दिया जा रहा है। यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 778G, एमोलेड डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट, गेमिंग करने का आपको इस फोन में मज़ा आ जाएगा। थिंकशील्ड सिक्योरिटी यहाँ पर भी आपको मिल रही है, इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बहुत ही स्लिम और लाइट वेट ये फ़ोन है, आज की डेट में इतने लाइट वेट फोन हमें देखने को मिलते ही नहीं है। बल्कि डिस्प्ले इसका काफ़ी बड़ा है, 10 बिट डिस्प्ले आपको मिल रहा है,
जहाँ पर कलर रिप्रोटेक्शन वगैरह बहुत ही बढ़िया मिलते हैं हमें। हाँ, बैटरी फोन में थोड़ी कम है, यहाँ पर है 4000 mAh की बैटरी, तभी ये फोन इतना स्लिम बना है बैटरी कम की वजह से। पर बैटरी बैकअप मुझे लगता है थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। आपको यहाँ पर एक दिन का ही बैकअप मिलेगा इस फोन के साथ, अभी नहीं सोच सकते डेढ़ दिन तक का फोन को चला लो। अब मैं आपको दो फोन बताऊंगा जिनको आप ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी बोल सकते हैं। एक फोन है स्नैपड्रैगन 888 के साथ, यहाँ पर आपको मिल चुका है सबसे कम प्राइस पे स्नैपड्रैगन 888, रियलमी GD2 इस फोन का नाम है। मज़ा आ गया, फोन मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस पे, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको मिल रहा है एमोलेड E4 डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, भाई ग्लास फील क्वालिटी है यहाँ पर, यूज़ करने में फ़ोन प्रीमियम फील होता है। स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन में भी अवेलेबल हैं, बैटरी है 5000 mAh की। तो रियलमी की तरफ से ये एक ऑलराउंडर पैकेज है 30,000 की रेंज में, 2999 इस फोन का प्राइस है अभी ऑफर्स में। इसके बाद फोन है IQOO 9 SC, इसको भी मैं कह सकता हूँ एक ऑलराउंडर पैकेज, ये आपको मिल रहा फोन ऑफर्स में 30,990 में। इसमें भी है ग्लास फील क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर, जबरदस्त कैमरा स्नैपड्रैगन 888 के साथ, एमोलेड डिस्प्ले 120 रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और रियलमी प्राइमरी कैमरा है 48 MP का, OISB इस फोन में अवेलेबल है। अब तक ये था मार्केट में सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन, अब रियलमी GT2 ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। बाकी हम दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम चेक करेंगे दोनों फोन अपने अपने प्राइस पे कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन आगे निकल के जाता है। अगर आप इनका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोन थे जो आप देख सकते हैं इस सेल से। अब आप बताना मुझे कमेंट्स में, क्या मैंने यहाँ पर कोई फ़ोन ऐसा है जो कि मिस किया हो, या फिर कोई फ़ोन ऐसा हो जो कि आपको लगता है कि मैंने गलत रिकमेंड किया, जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।